हेलो गाइस वेलकम यू ऑल ऑन यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल आशा करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि संडे को एग्जाम है आप लोगों का तो चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं बता दो कि ये हमारा सेकेंड पार्ट अपलोड होने जा रहा है अगर आप लोगों की सीरीज़ पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा तो हम आर ओ ओ आर ओ के लिए भी हम ऐसे ही सीरीज़ लेके आएंगे प्लीज़ गाइड टेक्स्ट ऑन द कमेंट सेक्शन ओके क्वेश्चन इज जजेर काटर एक्चुअली क्रेटर है जजेरो क्रेटर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ डिप्रेशन फाउंड ऑन विच स्पेस बॉडी एक जजेरो क्रेटर अपने मार्स में मिला है जो कि ये नासा के प्रजवरेंस मिशन के तहत हुआ है ये एक्चुअली प्रोजेवरेंस एक रोवर है जो ये फाउंड किया है मार्स पर जजेरो क्रेटर मिला है वहाँ पे ठीक है um, दूसरा इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड एक्सरसाइज इज़ नॉट कंडक्टेड विथ श्रीलंका इसमें से पूछा है कि किन ये जो एक्सरसाइज हैं चार एक्सरसाइज इसमें से श्रीलंका के साथ नहीं की जाती है राइट आंसर इज बोंगो सागर एक्चुअली बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ होती है नेक्स्ट इज कैग ऑफ इंडिया इज़ अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ क्वेश्चन है कि जो आपका कैग होता है वो आपका दोस्त और गाइड होता है इनमें से किस कमेटी uh, क्या कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टिमेट कमेटी या ऑल दी अबव तो राइट आंसर इज आपका पी एस सी पब्लिक अकाउंट कमेटी ये क्या होता है ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल ट्वेंटी टू होते हैं आपके लोकसभा से टोटल फिफ्टीन होते हैं और राज्यसभा से सेवन होते हैं टेन्योर इनका एक साल का होता है ये uh, कैग इनके फ्रेंड uh, और गाइड होते हैं नेक्स्ट इज़ चीफ ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मौरियंस वॉज नोन एज नॉर्मल सी बात है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मॉरियन पीरियड में जो चीफ ऑफ रिवेन्यू डिपार्ट के होते थे उनका नाम क्या रहता था तो क्वेश्चन इज सॉरी राइट आंसर इज समहरता नेक्स्ट इज वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ऑप्शन देख लेना जरा इस क्वेश्चन में ठीक है ऑप्शन इज ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन्थ थर्टी नाइन्थ एंड फोर्टी नाइन्थ अगर इस क्वेश्चन में मतलब अगर ऑप्शन अगर वन ट्वेंटी वन भी रहता ना तो ज़रा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स तो राइट आंसर इज वन ट्वेंटी वन इन इंडिया पूछे तो बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है एशिया पैसिफिक में होना चाहिए तो राइट आंसर इज़ ट्वेंटी सिक्स कन्फ्यूज़ मत होना क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है कि वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया तो अगर इंडिया की मेरे बारे में पूछे तो 121 रैंक है बट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया अमंग एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक ट्वेंटी सिक्स है ओके ऑल ओवर में 121। ट्वेंटी वन इम्पॉर्ट नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप छब्बीस जिसे कहते हैं वो कहाँ हुआ था टू में राइट आंसर इज ग्लास्को आपके स्कॉटलैंड में देख लेना एक बार प्रीवियस ईयर जैसे कॉप ट्वेंटी फाइव कहाँ हुआ था नेक्स्ट इज एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन एनवामेंट बाय एसिड रेन किसके uh, कारणों के वजह से होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पहला है साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट करेक्ट है लाइट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल गलत है अल्ट्रावायलेट रेज इज़ नॉट अ विजिबल रे इज राइट तो आपके स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थ्री फर्स्ट एंड थ्री राइट आंसर इज वन एंड थ्री विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट अ वायरल डिजीज इन्फ्लुएंजा चिकन पॉक्स कोलेरा कोविड नाइन्टीन तो कोविड नाइन्टीन आप सबको पता है वायरस वाला है तो राइट आंसर इज़ कॉलेरा क्योंकि कोलेरा इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ नेक्स्ट इज़ अ वॉइस रॉय हु फॉलोड अग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करते थे वो कौन से वॉइस रॉय थे मेयो लिटन डफरेंस स्कैनिंग राइट आंसर इज लॉर्ड लिटन नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज़ नॉन बाय विच ऑफ़ द फॉलोइंग नेम्स इन ब्राज़ील बार्बिको कॉनोको हुमाजी क्यूमेडास राइट आंसर इज़ क्यूमेडास ब्राज़ील में शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो अपने इंडिया में झूम कल्टिवेशन के नाम से जाना जाता है वो ब्राज़ील में क्यूमेडास के नाम से जाना जाता है विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द काला नमक राइस फेस्टिवल फ्रॉम थर्टीन फिफ्टीन मार्च ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन ऑन फरवरी वन ट्वेंटी यूपी गुजरात पंजाब हरियाणा तो राइट आंसर इज पंजाब अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन आइटम इन द स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट किस अनुच्छेद के तहत स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकती है राइट आंसर इज़ 249 है 250 251 252 राइट आंसर है आर्टिकल 249। फोर्टी नाइन विच आर द फॉलिंग रिलीज द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 इन मार्च 2021। राइट आंसर इज़ यू एन ई पी हेड क्वार्टर नायरो के और नायरूबी नायरूबी को ग्रीन सिटी ऑफ द सन कहा जाता है याद रख लेना मतलब फैक्चुअल है देख लेना मीटिंग ऑफ द मेडागास्कर एंड द मजामिक करेंट फॉर्म्स अलास्कन करेंट अगुलहस करेंट करंट एंटलीस करेंट ओ या शियो करेंट राइट आंसर इज अगुलहस करेंट नेक्स्ट इज़ विच स्टेट यूटी विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ट्वेंटी ट्वेंटी वन राइट आंसर इज़ लद्दाख ये इम्पोर्टेंट है एक बार देख लेना कि अपने इंडिया में टोटल कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले हैं रिसेंट किसको मिला है और ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द विच ऑफ द बीच ऑफ इंडिया इज नॉट कम्स अंडर द ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कोवलम बीच इन तमिलनाडु एंड ईडन बीच इन पुडुचेरी वर अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन राइट क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है इससे पहले पिछले साल जुलाई सॉरी अक्टूबर में आठ सर्टिफिकेशन मिला था इंडिया के अभी रिसेंटली दो ऐड हुए हैं तो टोटल टेन हो चुके हैं तो सेकेंड देख लेते हैं इंडिया नाउ हैज़ फोर्टीन ब्लू फ्लैग बीचेस जो कि गलत है अभी टोटल इंडिया में टेन है So right answer is one and uh, the certification third third is that certification is awarded by Denmark-based non-profit foundation is it right. The right answer is one and three only. Uh, next is Buddhadeb Guha was passed recently. He was an he was a writer. He was a Bengali writer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है मीटिंग वॉज टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान और दूसरा इज ईरान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ एस तो दोनों स्टेटमेंट इज राइट नेक्स्ट इज एस का हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना नेक्स्ट बस इतना ही तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा बताइएगा हमें कि हम हमारी सीरीज़ आपको कैसी लग रही है जल्दी हम आर ओ आर ओ के लिए सीरीज़ लेकर आएंगे, होप कि आप लोगों को पसंद आए और आपके इस संडे वाले एग्जाम में मोस्ट हेल्पफुल रहेगी वीडियो थैंक्स बाय बाय